जब से घाटी में सेना ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और दहशतगर्दों के सहयोगियों को पकड़ना शुरू किया है, तभी से आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान में काफी तेजी देखने को मिली है। अब इनपुट भी सटीक मिलते हैं और कार्रवाई भी ज्यादा सफल रहती है। ऐसी ही एक सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बुधवार को सेना के रणबांकुरों ने उन आतंकियों को ढेर किया जो गीदड़ की भांति छिपकर और पीछे से वार कर मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहाते थे। ये मुठभेड़ पुलवामा के कस्बा यार इलाके में चल रही है। सेना को जानकारी मिली थी कि यहां कुछ आतंकी दहशत फैलाने के मकसद से आए हुए हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों को उनकी मान से निकालकर जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जिन दो आतंकियों का खात्मा सेना द्वारा किया गया है, उनमें से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर याशीस पर्रे है और दूसरा आईईडी एक्सपर्ट फुरकान है। दोनों पर बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप भी लग चुका है। इस बार भी ये जिहादी आतंकी ऐसी ही किसी आतंक की घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण दहशतगर्दों को नाकामी हाथ लगी। भारतीय सेना और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश में बैठे कुछ आस्तीन के सांप आज भी हमारी सेना को और उसकी कार्रवाई पर सवाल या निशान खड़े करते हैं। कुछ पाकिस्तानी परस्त लोग सेना की कार्रवाई को गलत ठहराकर अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। अब सवाल आपसे है कि आप किस ओर हैं, भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के रणबांकुरों की तरफ या फिर दूसरी तरफ? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।